गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कि इसका इम्पैक्ट जैसा दिख रहा है वैसा पड़ रहा है या नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पर इसका क्या असर हो रहा है जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समग्राम। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो बने रहे एंड तक। तो जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है तब से राहुल गांधी को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और उनका लुक भी काफ़ी चेंज हो गया है। वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने पर मजाक बनाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में बताते हैं। राहुल गांधी का जो बोलने का स्टाइल है वो थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि राजनीति टाइप नहीं लगता है, इसलिए लोग उन पर मीम बनाते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन सपोर्ट तो मिल रहा है काफ़ी लोगों का, इसका असर बीजेपी के बौखलाने को भी दर्शाता है। अब बीजेपी का तो कहना यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो ढोंग और दिखावे के सिवा और कुछ नहीं है। बीजेपी की आईटी सेल भी इस ओर काम कर रही है कि कैसे भी भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है उसे गलत ठहराया जाए। अब हो सकता है कि काफ़ी लोग इससे एग्री भी करते हों, क्योंकि वो समय तो आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उस समय कांग्रेस की हालत इतनी खस्ता थी कि मोदी मोदी के अलावा किसी को कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब आलम थोड़ा सा अलग है, हुआ क्या है कि जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उनमें से कुछ वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिसका असर भी साफ दिख रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी के हाथ से दिल्ली की MCD चली गई जो कि पिछले 15 सालों से थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से निकल गया है, लेकिन जो गुजरात का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस 20 सीटें भी नहीं ला पाई और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। बस इसी जीत को मोहरा बनाकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अब खत्म है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में जो कि 2023 में होने वाला है। अब यहाँ क्या स्थिति है ये बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और अभी हम देख रहे हैं कि संविदा कर्मियों की हड़ताल जोरों शोरों से चल रही है। इसके अलावा युवा लोग मांग कर रहे हैं कि MPTET वर्ग 3 की 51,000 पोस्ट कम से कम निकाली जाए, लेकिन इसको लेकर बहुत बड़े कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला था कि 2023 में अगस्त तक 1,12,000 के करीब पोस्टें निकाली जाएंगी, तो अब युवा वर्ग इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि युवा वर्गों का मानना ये है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है, जब पिछले 10-11 साल से वैकेंसी नहीं निकली है तो अब क्या निकलेंगी। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान ने काम नहीं किए हैं, हाँ मान सकते हैं कि विकास कार्य तो किए हैं, लेकिन अब बात तो युवा वर्ग की होती है ना कि युवा वर्ग क्या करे, कितने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो इसको ध्यान में रखा जाए तो उस हिसाब से युवा वर्ग के हाथ ज़्यादा कुछ आया नहीं है। अब वैकेंसी अगस्त तक निकलती है तो क्या युवा वर्ग संतुष्ट हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा क्या कि कई जगह वेतन नहीं पहुंच पाते हैं, जो सरकारी चीज़ें चल रही हैं उसमें भी वेतन कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। अब ऐसा क्यों है, दो कारण हो सकते हैं, या तो अधिकारी लोग जो पद पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े वो पैसे डकार जाते हैं, या सरकारी ध्यान नहीं देती है। वैसे मुझे लगता है कि पहला वाला कारण ज़्यादा सीमित है, मतलब बीजेपी को अब अपने अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि क्या काम चल रहा है, वेतन सबको मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी रखना चाहिए, और जो भी पैसा खाए किसी भी कर्मचारी का उसे तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। अब एक ही चीज़ हो सकती है कि युवा वर्ग, संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक, किसानों के हित के लिए कुछ बीजेपी काम कर ले तो कुछ हो सकता है, वरना बीजेपी का 2023 का चुनाव हारना तय ही लग रहा है और माना भी जा रहा है कि हार जाएगी बीजेपी। अब देखने की बात होगी कि क्या होता है आगे। दूसरी ओर सबका आधार बनाकर कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस के कमलनाथ सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या वो सत्ता में आ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। वैसे ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है कि 2023 में कांग्रेस मध्य प्रदेश में आ सकती है, चांसेस तो लग रहे हैं। बस डाउनफॉल यह है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और तो और ये वीडियो कांग्रेस के खुद के MP कांग्रेस के अकाउंट से पोस्ट हुआ था। हालांकि बाद में कुछ देर बाद वो वीडियो कांग्रेस वालों ने डिलीट कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने ये बात पकड़ ली और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के नेताओं ने जमकर विरोध किया और निशाना भी साधा। कांग्रेस इसको बीजेपी की चाल बताने की साजिश करने लगी। बाकी भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बात तो थोड़ी हजम करना मुश्किल है, क्योंकि मोदी की छवि है बीजेपी के पास। इसके अलावा चाइना में जो कोरोना का नया वेरिएंट BF7 निकला है उससे सारे देश सतर्क होने की कोशिश में लगे हैं, तो इसी को लेकर बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैंसिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आगे देखना होगा कि आने वाले साल 2023 में क्या स्थिति बनती है और लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा, क्या मोदी लहर बरकरार रह पाएगी, क्या लगता है।
गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहे। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम।